स्टूडेंट वेलकम टू एजुकेशन विद मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 12 साइंस के मैथ के चैप्टर नंबर सेकंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के यहां पे बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स sec इनवर्स माइनस 2। ओके, जो कंपार्टमेंट एग्जाम 2018 और 2012 के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो यहां पे इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 के लिए क्या होगा, तो √3 कब होता है tan इनवर्स 10 में, तो 10 पाई बाय 3 पर माइनस sec इनवर्स माइनस sec की वैल्यू 2 कब होती है, sec की वैल्यू पाई बाय 3 पर। ओके, sec पाई बाय 3 पर क्या होता है, 2 होता है, बट माइनस sec पाई बाय 3 है तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये दोनों कैंसिल आउट कर दो तो क्या बचेगा पाई बाय 3 माइनस sec इनवर्स sec पाई माइनस पाई बाय 3 sec इनवर्स बोथ आर कैंसिल आउट, पाई माइनस 3 माइनस क्या होगा पाई माइनस पाई बाय 3। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस पाई बाय माइनस पाई बाय 3 था वो क्या हो जाएगा प्लस पाई बाय 3 हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा 2 पाई बाय 3 माइनस पाई यानी कि 2 पाई माइनस 3 पाई यानी कि माइनस पाई अपॉन 3 जो हमारा फाइनल आंसर बचेगा। ओके, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 3 पाई, तो 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3 तो माइनस पाई बाई से आंसर आएगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज़।